हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो ठीक ठाक होंगे। हम भी जो है ठीक ठाक है। अभी मेट्रो स्टेशन पर खड़े हैं और सबसे बुरी बात यह है कि हम लोग जो है आज लेट हो गए हैं। 12 बजे पहुंचना होता है और अभी यहाँ पे जो है 11:30 बज रहे हैं। बस का वेट किया और उसके अलावा सैटरडे है, सैटरडे संडे बसेज यहाँ पे बहुत कम होती हैं। मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से जो है बहुत ही कम आती हैं। और जैसे हम मेट्रो स्टेशन पे पहुँचे तो देखा कि 6 और मिनट्स जो है हमें वेट करने हैं, वो लिखा हुआ था 6 मिनट, ये हो गए 20 मिनट। यहाँ से रास्ता लगेगा जहाँ से हमें चेंज करना है तिरिंदा से, 30 मिनट्स वहाँ से लगेंगे और 50 मिनट्स वॉक पे, तो बहुत ही लेट हो जाएगा। और अभी हम नए ही हैं, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि लेट ना हो, और पता नहीं किसी ना किसी तरह जो है वो लेट हो ही जाते हैं। तो देखते हैं कि आज जो है वहाँ पे किस टाइम पहुँचेंगे। और उसके अलावा बहुत से भी आज वहाँ बात करेंगे कि अगर हम मतलब लेट हो जाते हैं इस तरह, क्योंकि जानबूझ के तो नहीं होते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला है वहाँ जहाँ पे हम लोग जो है रहते हैं। तो अगर हम 12:20 पे पहुँचते हैं तो जो है हम जब हमारा काम ख़त्म होता है तो 20 जो मिनट हैं हम और जो है काम करेंगे, ऐसा उनको बोल के देखेंगे। वरना एक दिन तो चलो ठीक है, वो यहाँ पे आपको बर्दाश्त करेंगे, दूसरे दिन भी आपको बर्दाश्त करेंगे। बाकी अगर आप ये फ्रीक्वेंटली करना शुरू कर दो तो फिर लाजमी उनको वो भी बोलेंगे कि ये सही नहीं है, क्योंकि वो बस डेफिनेटली वो बोलेंगे कि सही नहीं है, क्योंकि उनको बंदे चाहिए जो टाइम पे आए, काम वगैरह करें, ये वो। पर उनको भी पता है कि हम लोग दूर रहते हैं और टेम्परेरी प्रोटेक्शन का सीन है हमारा, अभी तक जो अपार्टमेंट वगैरह नहीं लिया। बाकी जो लोग यहाँ पे रहते हैं सिटी में तो उनको तो कोई मसला नहीं है, वो घर से जैसे ही निकलते हैं और मेट्रो पकड़ के सीधा काम पे आ जाते हैं। हमारा तो लंबा चक्कर है ये बस का जो है। तो एनीवेज वहाँ चल के हैं, देखते हैं कि वहाँ पे जो क्या सीन है। हाँ तो गाइज अभी हम पहुँच गए हैं स्टेशन पे जहाँ पे जो है वो हमें ट्रेन चेंज करनी है। वहाँ पर जो है 2 मिनट में वो ट्रेन आएगी जिस पे जो है आगे हम लोगों को जाना है। हम तो कहते हैं कि जितना जो जल्दी हो सके, क्योंकि हम लोग वहाँ पे पहुँच जाए। और बस अभी इंतज़ार कर रहे हैं, आज जो है लाजमी अपने बॉस से बात करेंगे कि इनकेस हमें लेट हो जाता है तो फिर हम जो हैं वो ज़्यादा काम करेंगे। तो देखते हैं कि वो जो है वो क्या कहते हैं। हाँ तो गाइस अभी जो है वो हम लोग वापस जा रहे हैं और अभी हुए हैं 8:28। तो आज हम जैसे लेट पहुँचे थे, मतलब कि 20-25 मिनट लेट पहुँचे थे, तो हमारी बात भी हुई बॉस से, तो उसने बोला कि नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट में मेरा भी हुआ नहीं, वेनसडे तक होपफुली हो जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट पे होते हो तो फिर आपको एनी हाउ जो है वो 40 आवर्स पर भी काम करने होते हैं, क्योंकि सपोज़ अगर मैं आधा घंटा आज लेट आता हूँ तो सुबह या फिर किसी और दिन जो है मैं आधा घंटा ज़्यादा काम करूँगा। उसने यही बोला, हमने बोला कि ट्रांसपोर्ट का हमारा मसला है, हम दूर रहते हैं, उनको भी पता है। तो उन लोगों ने बोला कि इट्स नॉट एन इशू, आप जिस टाइम आओ जिस टाइम जाओ, बाकी ये है कि आपको इन अ वीक जो है वो 40 आवर्स लाजमी करने हैं। और आज काम के हवाले से ये था कि रश था लोगों का, अल्दो क्लाउडी है आज, ये पूरा देख सकते हो आज बारिश हुई है, ये गीले गीले रोड है, यहाँ पे बारिश आज हुई है, फिर भी लोग आए थे पता नहीं किस तरह। पर यह हुआ कि जैसे थोड़ी बहुत शुरू में बारिश हुई थी, लोगों ने भागना शुरू किया, जो खा रहे थे उन लोगों ने भागना शुरू किया, और उसके बाद कोई आया ही नहीं। मतलब जो आए थे सुबह को सो आए थे, जैसे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई तो जो लोग थे वो भी भागना उन लोगों ने भी शुरू कर दिया। तो भाई अभी जो है हम मेट्रो स्टेशन पर बैठे हैं और कल ये जो मेरा जल गया था आज, और अभी जो है काफ़ी हद तक बेटर हो चुका है, लेकिन एक जगह से वो बहुत ही ज़्यादा उसमें मतलब जैसे पानी जमा हो जाता है, फिर वो फट गया था। तो कल से तो काफ़ी सारा बेटर है, लेकिन ये जो असल में हुआ कैसे इस तरह था कि
मेरी शेफ है, बड़ा ओवन है एक। शेफ ने चिकन अंदर डाला था एक कंटेनर में, छोटा सा कंटेनर होता है। कोई रेस्टोरेंट पर काम करता है तो उनको पता होगा किस तरह के कंटेनर्स होते हैं। तो उसमें वो चिकन ग्रिल कर रहा था, तो वो ऑयली चिकन थी, उसमें थोड़ा सा ऑयल था। और जब ग्रिल हो गई तो वैसे ही चिकन थोड़ा सा जो है ना वो छोड़ता है पानी वगैरह, तो ऑयल उसमें ज़्यादा हो गया था। तो मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरी शेफ जो ओवन है वो बहुत ही ज़्यादा, जब वो उसका टाइम पूरा हो जाता है तो टी टी करता है, तो वो ना मतलब माथे का दर्द होता है। उसको बोलते हैं कि जो चीज़ इसके अंदर है वो जल्दी से निकालें हम। तो जब ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं तो इस तरह से मतलब जल्दी जल्दी कर सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मेरे हाथ में जो है एक कपड़ा था, लेकिन वो हल्का था, तो मैंने जैसे वो कंटेनर को निकालने की कोशिश की तो मुझे गर्म लगा। तो वो जगह भी कंटेनर का, जो कंटेनर नहीं, जो मेरी शेफ का दरवाज़ा है वो थोड़ा ऊपर नीचे, तो मैंने जो उसको छोड़ा नीचे से तो ऑयल के जो छींटे हैं मेरे वो इधर लग गए और इधर लग गए। तो मतलब उस टाइम तो इतना कुछ नहीं हुआ था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया, तो अबे भाई ये तो ज़्यादा जल गया। तो फिर ये मरहम वगैरह लगाई आहिस्ता आहिस्ता से, और बॉस भी आया था, उसने ख़ुद जो है मरहम लगाई मुझे। मैंने कहा कोई मसला नहीं है इतना कोई, तो और उसने वो मरहम भी मुझे दे दी कि घर लेके जाओ और हर आधे घंटे में लगाते रहो तो फिर बेटर हो जाएगा। अभी भी कुछ मतलब नरम है, मतलब कल परसों तक सूख जाएगा, तो आस्ते आस्ते जो है वो ज़ख्म चढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, काम आप जहाँ भी करो ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती हैं। तो आज की वीडियो के लिए यही चीज़ें थी, और आज का हमारा दिन भी ऐसे ही गुजरा। आज का दिन अच्छा था, कल का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं था। और कल जो है सालार का भी वो फ़ोन टूट गया था, पता नहीं क्या चीज़ हुई थी कल के दिन के लिए, वो हमारा ब्लैक डे हो गया था। तो चलो आज के लिए यही चीज़ें थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है पुर्तगाल के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जो है एज़ सून एज़ पॉसिबल वहाँ पर जो है रिस्पॉन्स देंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।